Okay guys, so today we will start the new chapter, that is physical feature of India. So before reading this chapter, you must have and understand the geography of the interior of the earth surface, ki what lies within the earth, कि अर्थ के अंदर है क्या, और ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो अलग अलग फीचर्स बने इंडिया के. फॉर एग्जांपल, जैसे माउंटेन बने हैं, डेजर्ट बने हैं, आइलैंड बने हैं, ये कैसे बने, और सो फॉर दैट एंड एग्जैक्टली वी इवन डोंट नो द एज ऑफ द अर्थ. लगभग अगर हम जियोलॉजिस्ट की माने तो हमारी जो अर्थ है वो लगभग 4600 मिलियन ईयर्स अगो पहले बनी थी, ऐसा जियोलॉजिस्ट मानते हैं. तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट लाइज इन द अर्थ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रीड अ लिटिल बिट अबाउट द अर्थ क्रस्ट. सी, दिस इज योर अर्थ एंड so earth uppermost layer is known as crust and crust ke niche hota hai aapka mantle aur ye hota hai aapka core. basically aapke earth ki ye alag alag layer hai, crust, mantle and core. to jo aapki outer layer of the crust, isko aap kya bolte ho, lithosphere. lithosphere is the outermost layer of the crust. so basically lithosphere ke bhi agar dikha jaye to do part hote hain. lithosphere ke bhi dekha jaye to do part hote hain. kon kon se part hai to dekho, lithosphere ke part dekho pehle. ye aapki crust, ye aapka mantle aur ye core. तो लिथोस्फेयर यानी आउटर लेयर. अब लिथोस्फेयर के दो बाउंड्री होती है, जैसे ये लिथोस्फेयर है सपोज करो, तो इसका जो अपर पार्ट है वो और इसके नीचे का पार्ट है वो. तो जो लिथोस्फेयर का जो अपर पार्ट है, जो कि बेसिकली ग्रेनाइट का बना होता है, और जो लोअर पार्ट जो बसाल्ट का बना होता है. सो इसमें जो अपर पार्ट होता है लिथोस्फेयर का, दैट इज आपका जो क्रस्ट का, उसको जनरली आप क्या बोलते हो, सियाल भी बोलते हो. सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम. और बसाल्ट के जो लोअर पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट का, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो सीमा, दैट इज सिलिकॉन यानी सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम. इनकी आपका अपर पार्ट है ये, इसमें इस चीज़ का बना होता है. और जनरली जो सियाल होती है, जो सियाल होती है वो लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू सीमा. और इनकी दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग होती है. तो सियाल की डेंसिटी और सीमा की डेंसिटी दोनों की अलग अलग होती है. यू नो नीड टू रिमेंबर द डेंसिटी ऑफ दिस टू, बट यू नो दैट द सियाल इज लाइटर देन सीमा. जिसके चलते क्या होती है, सियाल आपको ऐसा लगता है कि समुद्र में फ्लोट करती हुई दिखाई देती है, राइट. सो दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट योर क्रस्ट. एंड नाउ लेट्स रीड मेंटल. मेंटल इज द लोअर पार्ट. ये जो मेंटल है ये आपका लोअर पार्ट है. ये आगे ज्योग्राफिकल फीचर अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करेगा. और आपका जो इनर ये कोर होता है, कोर, इसमें जनरली आपका निफे भी बोलते हैं इस कोर को, क्योंकि इसमें क्या होता है, निकल एंड आयरन होता है. और ये जनरली जो स्टेट है ये लिक्विड स्टेट होती है. पहले इसको लिक्विड मानते थे, बट स्टिल जो जियोलॉजिस्ट ऑल्सो आर्ग्यू दैट कि ये कहीं ना कहीं सॉलिड है. और जनरली ये क्यों लिक्विड स्टेट में होती है, क्योंकि इसमें जो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से ये स्टेट थोड़ी सी सॉलिड होती है. लेटर दीज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. सो let's see further.
और उसके बाद दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा रॉक्स के बारे में। रॉक्स क्या होती है बेसिकली, जो अर्थ क्रस्ट और मेंटल में जो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, वो जनरली ये होती है। जैसे सपोज करो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो बेसिकली जो रॉक्स होती है वो तीन तरह की होती हैं। इग्नेशियस, यू मस्ट हैव रेड इन योर लोअर क्लासेस, इग्नेशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक, एंड दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नेशियस रॉक क्या होती है, देखो इग्नेशियस रॉक सिंपल वैसी रॉक होती है, जैसे सपोज तो ये आपकी अर्थ है, सेम वही आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, इससे मैग्मा निकलता है, मैग्मा। और जब यही मैग्मा बहुत जब हाई प्रेशर और हाई हीट के चलते जब बहुत सारे मिनरल्स एकदम से बाहर निकलते हैं उसको मैग्मा बोलते हैं। और ये जो बाहर निकल जाता है तो बाहर निकलने वाले को क्या बोलते हैं, लावा। अंदर रहता है तो मैग्मा बोलते हैं इस लिक्विड मटेरियल को, और बाहर निकल जाता है लावा। तो इसके चलते चलते अलग अलग रॉक बनती है। सो जो ये लावा बाहर निकलता है कई बार, और जो इग्नीशियस जो रॉक होती है, जो इग्नीशियस जो रॉक होती है जनरली, ये यहाँ पे मेंटल जो क्रस्ट के अंदर क्या सोलिडिफाइड हो जाती है, यहीं पे सोलिडिफाइड हो जाती है। और फिर बाद में जो सेडिमेंट्री रॉक है वो फर्दर वो बनने स्टार्ट होती है। जैसे प्लांट, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादा प्लांट्स फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा होते हैं। तो जनरली आपको पता होगा कि इन रॉक में पेट्रोलियम वगैरह नहीं मिलती है, और इसमें जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पेट्रोलियम मिलता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यहीं पे मिलते हैं आपको। और मेटामॉर्फिक रॉक सिंपल मतलब जब बहुत ज़्यादा हीट प्लस प्रेशर जब होता है तो बाद में फर्दर टर्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में बदल गया अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। सो यू मस्ट हैव द बेसिक आइडिया ऑफ दीज रॉक्स एज वेल। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट हाउ दैट वी हैव डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। सो टिल नाउ यू हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट अर्थ इंटीरियर एंड सम रॉक। सो वॉट इज फिजिकल फीचर, अगेन क्वेश्चन, वॉट इज फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं। सो फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, मतलब अर्थ की जो टोपोग्राफी है वो कैसी दिखती है, उसमें कितने माउंटेन हैं, किस किस तरह के माउंटेन्स हैं, कैसा प्लेन एरिया है, डेजर्ट है, आइलैंड है। तो बेसिकली इन फीचर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स हम पढ़ेंगे माउंटेन। सो उस माउंटेन को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक एज वेल। देखो हमारे अर्थ के केस में क्या होता है, देर आर नंबर ऑफ फिजिकल फोर्सेज दैट एक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज फिजिकल फीचर्स। द फर्स्ट इज वी विल रीड द एक्सटर्नल फोर्सेज, इसको इंडोजेनिक भी बोलते हैं, और इंटरनल, एक्सटर्नल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेज एंड इंटरनल यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेज। यानी जो ये बाहर ऐसे कौन से फोर्सेज हैं जो एक्ट करते हैं, और इंटरनल फोर्सेज कौन से हैं जो एक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेज में बेसिकली यू विल रीड, आपको एक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे बिफोर रीडिंग दिस, वीदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। एंड इंटरनल फोर्स यानी आपका प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। देखो इनको डिस्कस करेंगे, देखो हमारी जो अर्थ है ये अलग अलग, इस पर अलग अलग हमने प्लेट के हिसाब से हमने बांटा हुआ, अलग प्लेट यानी बड़ा लार्ज मास है अर्थ का, उसको हमने ऐसे प्लेट बोला। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल द प्लेट एज वेल। सो बिफोर रीडिंग, बिफोर गोइंग टू द इंटरनल फोर्सेज, लेट्स रीड एक्सटर्नल फोर्सेज, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इस एक्सटर्नल फोर्सेज में लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, की व्हाट आर दिस कॉन्सेप्ट। सो पहला है आपका वीदरिंग। वीदरिंग का सिंपल मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक।
डिस इंटीग्रेशन ऑफ रोक, यानी एक जो बड़ी रोक है उसका टूटना, उसको बोलते हैं क्या, डिस इंटीग्रेशन ऑफ रोक, सिंपल विदरिंग यानी डिस इंटीग्रेशन ऑफ रोक। एंड सेकेंड, और ये क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग जैसे सपोज करो ये रोक है, इस रोक पे आपको पता है कि इस रोक पे बारिश भी होती है, हवा भी चलती है, तो धीरे धीरे ये रोक कमजोर होती जाती है। एक्शन ऑफ सनलाइट एज वेल, सनलाइट यानी जब डे होता है और नाइट होता है, तो डे में आपको पता है जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, जिसके कारण इसके जो पार्टिकल्स है वो एक्सपेंड होते हैं, और नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, यानी रोक कूल होती है, तो रोक दिन में एक्सपेंड होती है, रात में कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चलने की वजह से इसके जो फोर्सेज हैं, रोक्स के जो फोर्सेज हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसके चलते ये रोक बाद में इस पर पानी पड़ा, कुछ और चीज़ पड़ी, पानी पड़ गई, ये वीक होने, ये अपने साथ बहा के लेके जाता है, बस ये डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी रोक का टूटना, ये किसी भी तरीके से होता है। अनदर एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो एसिड रेन, एसिड रेन सपोज करो बारिश है, यहाँ पे एसिड रोक देते हैं, तो लॉट ऑफ केमिकल एक्शन एक्ट ऑन द रोक, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो एक्ट को फर्दर डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो दिस इज बेसिकली अबाउट योर वेदरिंग, वेदरिंग यानी रोक का टूटना, आप रोक पड़ चुके हो, रोक क्या होती है, रोक का टूटना। दूसरा होता है आपका इरोजन, इरोजन मतलब जो रोक टूट गई है, यानी जो विदर्ड रोक है, जो विदर्ड रोक है उसका वियर अवे, यानी उसको सिंपल है, जो विदरिंग रोक है यानी जो आपकी जो विंड है या फिर आपका जो वाटर है उसके थ्रू ये रोक बह के चली जाते हैं कहीं भी, जैसे आपने सुना होगा सोयल इरोजन, सोयल इरोजन आपने पढ़ा होगा तो उसमें सुना होगा व्हाट इज सोयल इरोजन, सोयल इरोजन सिंपली मींस रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सोयल, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल, टॉप लेयर है सोयल की वो उड़ जाती है, इसी तरह जो विदर्ड मटेरियल है वो भी बाय विंड और बाय वाटर बह के चला जाता है, दैट इज योर इरोजन। और ट्रांसपोर्टेशन सिंपल मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो विदर्ड मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करना, यानी बाय एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर सिंपल ट्रांसपोर्ट कर देता है। और सेकंड डिपोजिशन, डिपोजिशन यानी जो विदर्ड मटेरियल है उसको डिपोजिट भी करना है, तो बाई सेम बाई एक्सटर्नल फोर्स जो आपके विंड और वाटर है वो डिपोजिट करते हैं। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे सपोज करो ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि यहाँ से रिवर गंगा आती बहती बहती इधर कोलकाता की तरफ, ये बे ऑफ बंगाल में, ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये जो रोक किस रोक सरफेस से ऊपर बह के जाती है, तो बहुत सारे अपने साथ मिट्टी सिल्ट ऐसे पत्थर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे लेके आती है, और बाद में ये डिपॉजिट कर देती है यहाँ पे, तो डिपॉजिट यानी आप डिपॉजिट कर दो, इससे बहुत बड़ा डेल्टा बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स और भी जो करती हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो अपने जितने भी सिल्ट मड पत्थर कंकर लेके आती हैं वो कोस्टल एरिया पे डिपॉजिट कर देती हैं, यानी वहाँ पे वो डिपॉजिट कर देती हैं। सो दीज आर डिपॉजिशन फीचर, इसी के चक्कर आगे चलते हम पढ़ेंगे किस तरह से ये चीज़ें बनती हैं। एंड नेक्स्ट इज द यू नीड टू अंडरस्टैंड अनदर फैक्टर दैट इंटरनल फोर्सेज। देखो इंटरनल फोर्सेज, देखो बहुत सारी प्लेट होती है और वो प्लेट आपस में उसमें स्ट्रेस वगैरह काफ़ी चीज़ें डेवलप होती है, कंप्रेशन होता है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अराइज होती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, जो प्लेट मूव करती हैं, जो इंटरनल फोर्सेज की वजह से जो प्लेट मूव करती हैं, उस रिजल्ट से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फोल्डिंग, फोल्डिंग एंड सम वोल्केनिक एक्टिविटी, देखो फोल्डिंग क्या होती है, फोल्डिंग समझो आप, सिंपल है, फोल्डिंग को समझो सबसे पहले। देखो सपोज करो ये अर्थ की लेयर्स हैं, दीज आर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, जब इनमें एक्सटर्नल फोर्स जिसमें काफी ज्यादा कंप्रेशन आता है, क्या आता है, कंप्रेशन आता है, कंप्रेशन यानी जब ये ऐसे होती है तो ये रोक किस तरह से हो जाएगी, अगर आप देखोगे
ये लोग इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से ये फोल्ड हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, जैसे एक टेबल क्लॉथ होता है, एक कपड़ा रखा होता है टेबल पे, जब आप उसको ऐसे ऐसे एक तरफ मूव करते हो तो बीच में ये इकट्ठा सा हो जाता है, उसी तरह ये इसको फोल्डिंग बोलते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को फोल्डिंग बोलते हैं, और ये माउंटेंस में काफ़ी ज़्यादा होती है। जब रोप ऐसे कंप्रेस होती है तो इसी तरह से ये हिमालय वगैरह सारे फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि रोप की कंप्रेशन से बने हैं ये सारे फोल्ड माउंटेन, इसलिए हिमालय को क्या बोलते हो आप, फोल्ड माउंटेन। ये बेसिक आइडिया आपको थोड़ा सा होना चाहिए। और इसको सिंक्लाइन बोलते हैं, और इसको एंटी सिंक्लाइन, एंटी क्लाइन, सिंक्लाइन एंड एंटी सिंक्लाइन। और काफ़ी ज़्यादा और भी होते हैं, नैपी, रिकम्बेंट, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो बनते हैं यहाँ पे ऐसे कंप्रेशन के वजह से। तो ये फोल्डिंग होती है, एंड फोल्डिंग क्या होती है, देखो फोल्डिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे सपोज करो ये रोक है, और इस रोक में कई बार क्या डेवलप हो जाता है, टेंशन डेवलप हो जाती है। टेंशन और स्ट्रेस डेवलप होने के कारण ये रोक क्या होती है, ये रोक इस तरह की दिखने लगती है कई बार। सिंपल है, कटना स्टार्ट होता है यहाँ पे, ये रोक बिल्कुल ऐसे यहाँ से इधर ज़्यादा बढ़ जाती है ज़्यादातर, और ये और इधर से सिंपल स्ट्रेस की वजह से ये इंटरनल फोर्सेज होते हैं, इंटरनल फोर्सेज होते हैं जो एक्ट करते हैं और जिसके चलते ये चीज़ें बनती है। तो इस तरह के माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं जनरली, यानी ये ब्लॉक माउंटेन होता है। इस तरह के जैसे आपकी जो रिफ्ट वैली है जहाँ नर्मदा और तापी रिवर बहती है, वो रिफ्ट वैली से बहती है, तो ये ब्लॉक माउंटेन इस तरह के होते हैं। ये थोड़े स्टेबल माउंटेन होते हैं, जो फोल्डिंग माउंटेन होते हैं वो यंग होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, और ये जो है स्टेबल माउंटेन होते हैं, क्योंकि ये अर्थ के काफ़ी पुराने जो पार्ट होता है उनसे बने होते हैं। और उसके बाद आपको पता चला वेरियस वोल्केनिक एक्टिविटी हैपन्स इन द अर्थ इंटीरियर एज वेल, वो भी लैंडफॉर्म्स बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो दीज आर योर बेसिक डिटेल्स, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट प्लेट कितनी तरह की होती है। तो जनरली जो आपकी प्लेट्स होती हैं वो जियोलॉजिस्ट ने डिवाइड की है मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट, मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट। सो व्हाट इज द मेजर प्लेट, मेजर प्लेट देखो सात मेजर प्लेट है लगभग, और सात ही माइनर प्लेट है। तो मेजर प्लेट को लगभग डिस्कस करते हैं आप। सबसे पहली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अभी कैसा एक दो तीन चार पाँच छः, एक मिनट रहेगी। नॉर्थ अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, देयर इज अ वन प्लेट लेफ्ट दैट इज अफ्रीकन प्लेट, राइट, अफ्रीकन प्लेट, नेक्स्ट इज अफ्रीकन प्लेट, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट्स। तो दीज आर द सेवन मेजर प्लेट। लास्ट ईयर एनडीए में पूछ लिया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट, दो चार चार तीन माइनर प्लेट का एग्जाम्पल दिया था, एक पैसिफिक प्लेट का दिया था। बेसिकली यू कैन इजली आइडेंटिफाई द पैसिफिक प्लेट इज द मेजर प्लेट, सो यू मस्ट हैव द आइडिया ऑफ दीज प्लेट्स एज वेल, एंड देर आर सेवन माइनर प्लेट एज वेल। सो लेट्स सी दीज सेवन माइनर प्लेट। द फर्स्ट इज जुंडाफुका प्लेट, कोकोस प्लेट, स्कोटिया प्लेट, फिलीपींस प्लेट, जुंडाफुका, कोकोस, क्रीटिया, नाजका प्लेट एंड एक दो तीन चार पाँच, देर आर टू प्लेट ऑफ लोड कैरेबियन एंड कैरेबियन प्लेट, एंड देर इज वन मोर प्लेट
दैट इज अरेबियन प्लेट। सो अरेबियन प्लेट, जुंडा फुका प्लेट, कोकोस प्लेट, स्कोटिया प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, नाजका प्लेट एंड कैरेबियन प्लेट, दीज आर द माइनर प्लेट। समटाइम्स एन टी एस सी माइट आस्क दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइनर प्लेट एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्लेट। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज प्लेट्स एंड दिस इज योर होमवर्क इज वेल, आइडेंटिफाई द माइनर प्लेट्स की इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। देखो आपको ऐसे ये है क्या बेसिकली, ये प्लेट्स यानी लैंड मास है बेसिकली। जैसे मेजर प्लेट्स का मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो ये आपकी अर्थ है, ऐसे स्फेरिकली है आपकी अर्थ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है आपकी, और नीचे अगर आप देखोगे ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये फिर आपका एटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और यही आपकी पैसिफिक प्लेट भी है। दूसरी तरफ यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, और इंडिया यहाँ पे है, ये चाइना है, रशिया है ऊपर। तो ये जो सारे मिलकर जो बड़ी प्लेट है, इस प्लेट को बोलते हो आप यूरेशियन प्लेट, क्योंकि यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, यूरेशिया मिलकर बना है यूरोप और एशिया से। और नीचे आपका ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है, और इसके नीचे अफ्रीका है, तो यानी ये आपकी है अफ्रीकन प्लेट, और इसके नीचे अंटार्कटिक प्लेट है आपकी। और यहाँ पे आपकी है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सो दीज आर द योर मेजर प्लेट्स। इसी तरह आपकी कुछ नाजका प्लेट हैं, कुछ कोकोस प्लेट हैं, तो कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, ऐसे आपकी लोकेशन आपको अपने मैप में फाइंड आउट करनी है। दिस इज योर होमवर्क एज वेल। देखो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लेट्स मूवमेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेट मूवमेंट। देखो प्लेट मूवमेंट तीन तरह का होता है, फर्स्ट आपका कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब सिंपल है, देखो ये आपकी सपोज करो दो प्लेट है, ये प्लेट है, और यहाँ पे जो आपका है, आपको इसे समझ में आया, जैसे ये मेंटल है, यानी ये समझ रहे हो, ये ऊपर की क्रस्ट, क्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो नीचे मेंटल है, तो ये जो ऊपर वाली जो क्रस्ट की प्लेट है वो कन्वर्जेंट यानी इधर मूव करती है, कई बार ये इधर मूव करने से क्या हुआ, ऐसे मूव करती है। डाइवर्जेंट यानी एक दूसरे के समीप आती है, यानी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, उसको क्या बोलते हो आप, कन्वर्जेंट बाउंड्री। और इस तरह की बाउंड्री से क्या होता है, जो क्रस्ट होती है इसमें जो भी कुछ होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, राइट। तो दिस इज योर कन्वर्जेंट बाउंड्री, एंड लेट्स सी द डाइवर्जेंट बाउंड्री। सो डाइवर्जेंट बाउंड्री मीन्स ये आपकी दो प्लेट है, सेम यहाँ पे आपका सिंपल है मेंटर, ये भी आपका मेंटर। सो जब ये बाउंड्री एक दूसरे से अलग दूर मूव करती है, ऐसे मूव करती है, तो इसमें से कुछ क्रिएट होता है, हमेशा याद रखना यहाँ पे कुछ क्रिएट होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री के अलावा ये बहुत सारे माउंटेंस मिलते हैं आपको, ज़्यादातर माउंटेंस आपको डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंदर ही मिलते हैं, ये वाला है। और ट्रांसफॉर्म सिंपल मतलब जैसे दो प्लेट हैं आपकी, ये दो प्लेट है, तो ये प्लेट एक प्लेट ऐसे मूव करती है, एक प्लेट ऐसे मूव करती है, और ये आपका मेंटल है, नीचे ये आपका मेंटल है, ऊपर क्रस्ट है। तो क्रस्ट की प्लेट जब ऐसे ऐसे मूव करती है, तो इसके इसके रेफरेंस में जिगजैग पाथ बनता है, जनरली जिगजैग पाथ बनता है। और ये इस बाउंड्री पे जनरली जो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पोर्ट वोट काफ़ी ज़्यादा बना सकते हो, क्योंकि जो इंटेंडेड लाइन हो जाती है, ऐसे इंटेंडेड जिगजैग तरफ की लाइन होती है, तो इस तरह से ये आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। तो दीज आर योर प्लेट्स मूवमेंट, कि प्लेट्स वो किस तरह से मूव करती हैं, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, डाइवर्जेंट होती है एंड ट्रांसफॉर्म होती है। सो फार वी हैव स्टडीड द बेसिक अर्थ इंटीरियर, एंड वी स्टडीड द टाइप ऑफ मूवमेंट अकर इन द अर्थ, एंड दिस अ प्लेट मूवमेंट। सो टिल नाउ दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक ऑफ
that how the Himalayan mountain, we will discuss Himalayan mountain, later on we will discuss the peninsular mountain, and we will move, we will read desert and island later. So this is your chapter, and if you don't know any, if you have any doubt, then let me know in the comment section, and please fill up those minor plate as well. Thank you very much.